So we have seen in the earlier lectures that there is a concept of the regular language, which says that if any language can be accepted by the finite state machine, we will say that that language is the regular language. So agar hamare paas ek language L hai, aur iske liye hum finite state machine bana sakte hain, so we will say that the language L is the regular language. Aur agar language L ke liye हम फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं बना सकते, सो वी विल से दैट दिस एल लैंग्वेज इज द नॉन रेगुलर लैंग्वेज। इसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि जो लैंग्वेज एल वन, अगर हमारे पास एक लैंग्वेज एल है जो कि रेगुलर है, इसका मतलब क्या है कि हम इसके लिए फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं। तो जो लैंग्वेज एल कॉम्प्लीमेंट होगी वो भी रेगुलर होगी, क्योंकि इसका जो डीएफए होगा या जो इसकी जो फाइनाइट स्टेट मशीन होगी उसमें हमें केवल स्टेट्स को फ्लिप करना है। तो एल लैंग्वेज का जो फाइनाइट स्टेट मशीन होगा उसको हम फ्लिप करेंगे एंड दिस विल बिकम द फाइनाइट स्टेट मशीन ऑफ द लैंग्वेज एल डैश। सो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेजेस, क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस are closed under complementation. Then we have also seen that अगर हमारे पास एक लैंग्वेज L1 है और एक लैंग्वेज L2 है, L1 रेगुलर लैंग्वेज है और L2 रेगुलर लैंग्वेज है, तो इनका जो कॉन्कैटिनेशन होगा दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर लैंग्वेज। सो कॉम्प्लीमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, लेट्स से हमारे पास एक L1 लैंग्वेज है और एक L2 लैंग्वेज है, तो अगर हमने इनका कॉन्कैटिनेशन किया, सो दिस गिव्स अस लेट्स से द स्ट्रिंग एक्स वाई वेर एक्स इज द पार्ट ऑफ L1 एंड वाई विल बी द पार्ट ऑफ L2। इसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक L1 लैंग्वेज है और एक L2 लैंग्वेज है, L1 और L2 दोनों रेगुलर है, तो हम ये भी कहेंगे कि L1 यूनियन L2 भी रेगुलर होगा। और L1 यूनियन L2 का क्या मीनिंग है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग X है, X विल आइदर बी द पार्ट ऑफ L1 और इट विल बी द पार्ट ऑफ L2। सो हम लोगों ने एग्जांपल से प्रूफ किया था कि जो L1 लैंग्वेज अगर रेगुलर है, L2 रेगुलर है, तो L1 यूनियन L2 के लिए भी हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं। इसका मतलब है कि L1 यूनियन L2 भी हमारा रेगुलर होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक लैंग्वेज L है और इस लैंग्वेज L में कुछ डिफाइंड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, तो अगर हम L का क्लीन क्लोजर लेंगे तो इसमें जो स्ट्रिंग्स आएगी वो होगी X1, X2, X3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेट्स से XK एंड सो ऑन सो फोर्थ, वेयर k is greater than or equal to 0 and any xk or any xi is the part of language L. What is the meaning of this? Let's say कि हमने माना कि लैंग्वेज L में जो सिंबल्स हैं वो a और b हैं, या लैंग्वेज L में सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है। अगर हमने लैंग्वेज L स्टार लिया, सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ए और बी से बनने वाली सारी स्ट्रिंग और इसके साथ साथ एप्सिलॉन बी इसमें एक्सेप्ट हो सकता है। सो ए एप्सिलॉन ए बी, ए बी या ए ए या बी ए या बी बी या इनका कोई भी जो कॉम्बिनेशन होगा और एनी लेंथ स्ट्रिंग दैट विल बी पार्ट ऑफ एल स्टार। सो अगर आप यहां पे देखें, अगर हम इसमें से कोई भी स्ट्रिंग पिक कर लें, लेट्स से हम ए बी ए पिक कर लेते हैं, सो दिस विल बी समथिंग लाइक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ए बी। सो ये जो एक्स वन है दैट विल बी द पार्ट ऑफ एल वन, एक्स टू विल बी द पार्ट ऑफ एल वन लैंग्वेज एल एंड एक्स थ्री विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज एल। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एल स्टार जो है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, क्योंकि हम इसके लिए ऑटोमेटा बना सकते हैं। सो ये जो L स्टार है वो भी, मतलब कि क्लोजर या क्लीन क्लोजर जो होगा
लैंग्वेज एल का, दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर लैंग्वेज। सो आई होप दिस मेक सेंस, एंड यू कैन ड्रॉ दी डी एफ ए फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज प्रोवाइडेड टू यू बाई मेकिंग यूज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल वंस अगेन मीट विद द न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द टॉफल इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।